फ्रेंड्स, रीट लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रीट भर्ती में पदों की संख्या, जो 31,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है, उसमें कौन से विषय के कितने पद आएंगे, उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करेंगे। साथ ही रीट भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी, जैसे कट ऑफ और रीट भर्ती परीक्षा का परीक्षा परिणाम कब जारी होगा, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हों या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सभी से निवेदन है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सभी भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट हम इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। साथ ही पहले आपको हम ये बता देते हैं कि अगर आप रीट भर्ती की कट ऑफ जानना चाहते हो कैटेगरीज वाइज, जी हाँ, सभी सब्जेक्टों की कैटेगरीज वाइज अगर आप रीट भर्ती की कट ऑफ जानना चाहते हो, तो उसका कंप्लीट एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरीज वाइज कट ऑफ मैंने जारी कर दी है। हमारे चैनल को विजिट करके आप वहां पर कट ऑफ वाला वीडियो देख सकते हो। उसके अलावा 4,000 से भी ज़्यादा वोटिंग एनालिसिस वाला वीडियो भी कट ऑफ का हमने डाल दिया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अदरवाइज आप चैनल विजिट करके वहां पर भी देख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले जो लेटेस्ट अपडेट है, पदों के वर्गीकरण पर 13,00,000 बेरोजगारों की निगाहें। उसके बाद में देखिए दोस्तों, रीट के परिणाम से पहले शिक्षा विभाग तय करेगा खाका, यानी कि रीट का जो परीक्षा परिणाम जारी करेगा, उससे पहले ही पदों की संख्या का लेखा जोखा, कि कौन से सब्जेक्ट के कितने पद आएंगे, उसके लेखा जोखा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तैयार कर लेगा। उसके बाद में देखो, जो शिक्षा विभाग है वो तैयार कर लेगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी व संस्कृत के सबसे ज़्यादा पद आने की उम्मीद। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर है कि गणित, विज्ञान व अंग्रेजी और संस्कृत के सबसे ज़्यादा पद आने की संभावना जताई जा रही है। गणित विज्ञान के 2016 का परीक्षा परिणाम आने से भी अभ्यर्थियों को थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि उसमें 876 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिनमें से लगभग 400 प्लस अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस बार ही उनकी नियुक्ति हो रही है, बाकी लगभग 400 के समथिंग अभ्यर्थी पहले से ही किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो इसकी वजह से गणित विज्ञान में भी 400 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का फायदा होना है। तो गणित विज्ञान, अंग्रेजी और संस्कृत के सबसे ज़्यादा पद आने की उम्मीद। उसके बाद में देखिए दोस्तों, जो बड़ी अपडेट है, हाईलाइट पॉइंट्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, बोर्ड का दावा है कि एक माह में जारी करेंगे परीक्षा परिणाम। बहुत बड़ी खबर है, बोर्ड ने दावा किया है कि एक माह में परीक्षा परिणाम जारी कर देंगे। जी हाँ, अंक तालिका का फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, यानी कि आपने अगर अंक तालिका में फर्जीवाड़ा कर रखा है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन में नंबर बढ़ाकर अगर फर्जी डिग्रियां ले रखी है, तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर किसी अभ्यर्थी ने ले रखी है, या जो फर्जीवाड़ा करते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है कि उनका बिल्कुल नहीं चलने वाली। अब दोस्तों, ये पूरी डिटेल्स हम आपको डिटेल्स में समझा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रीट के बाद अब प्रदेश में 13,00,000 बेरोजगारों की निगाह प्राथमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी होने वाली विज्ञप्ति पर टिकी है। हालांकि 31,000 पदों की घोषणा होने के साथ ही शिक्षा विभाग ने खाका तैयार कर लिया था, लेकिन अधिकृत तौर पर पदों का वर्गीकरण, यानी कि अधिकृत तौर पर पदों का वर्गीकरण परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद ही होगा। इसके बाद में देखिए कि इस बार गणित, विज्ञान, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी व संस्कृत के ज़्यादा पद आने की आस है। जी हाँ, यानी गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत, इनके पद ज़्यादा आने की उम्मीद है। अगर आपको कट ऑफ का एनालिसिस वाला वीडियो चाहिए, या फिर कट ऑफ की जानकारी अगर आप चाहते हो, तो आप चैनल पर विजिट करके, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हो। हर सब्जेक्ट की लेवल 1 और लेवल 2 की अलग अलग कट ऑफ मैंने जारी की है, वो भी कैटेगरीज वाइज, तो आप वो वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लगभग 47,000 पद खाली है। बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों, 47,000 पद खाली है, यानी कि 31,000 पदों पर भर्ती होने के पश्चात भी आप देख सकते हो 15-16,000 पद और खाली रहेंगे, यानी कि एक और बड़ी भर्ती रीट की जल्दी ही आएगी। एक डेढ़ साल में रीट की एक बड़ी भर्ती आने की पूरी संभावना है। तो जो भर्ती तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखना है। भर्ती का दावा किया है, इसमें लेवल प्रथम के 24,000, जी हाँ, लेवल प्रथम के 24,000 के लगभग 23,000 पद खाली है।
और लेवल द्वितीय के 23,000 पद खाली हैं अभी। इधर बेरोजगार की ओर से 40,000 पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने को लेकर सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि जो रीट की भर्ती है 31,000 पदों पर हो रही है। इसी भर्ती में, जी हाँ, इसी भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर लगातार मांग की जा रही है सभी अभ्यर्थियों के द्वारा भी, और हम भी चाहते हैं कि रीट भर्ती में अगर पदों की संख्या बढ़ती है तो अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से इसका फायदा होगा और कट ऑफ भी कुछ कम जाएगी। उसके बाद में देखिए, अंकतालिका का फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। पिछली जो शिक्षक भर्ती थी उसमें रीट में अंकों का जो वेटेज था वो 70% वेटेज रीट भर्ती का था और 30% जो वेटेज था